वही फिर कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। भारत में रिकॉर्ड 6155 नए मामले, इन्हीं राज्यों में हुई मौत। देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। भारत में 24 घंटे में रिकॉर्ड 6155 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव केस 31,194 हो गए। अब देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 5.63% हो चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पिछले एक सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी अवधि में कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 121% से अधिक का इजाफा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों में एक जानकारी मिली है कि कोरोना के संक्रमण से मौत की भी खबर कई राज्यों में आ रही है। आपको बता दें कि देश में H3N2 के मामलों में तेज वृद्धि के बीच दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में मार्च 30 में संक्रमण 295 नए मामले सामने आए थे, जबकि किसी मरीज की मौत नहीं हुई थी। विभाग के मुताबिक गुरुवार को नए मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 20,12,670 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने कहा कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।